हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पूजा कुकिंग वर्ल्ड में। मैं आप लोग के साथ आज गुजरात का फेमस स्नैक्स खांडवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं खांडवी की रेसिपी कैसे बनाते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप दही और 1 कप बेसन। जितना मैं दही लूँगी उतना ही मैं बेसन लूँगी। अब दही भी डाल दूँगी। अब इसे मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। इसे मैं फेंट ली हूँ और जिस कप से मैंने बेसन लिया था ना उसी कप से मैं पानी लूँगी, और जिस कप से मैं दही ली थी ना उसी कप से मैं दोनों कप में मैं पानी ली हूँ। अब हम पानी को डाल देंगे। इसे भी हम मिला देंगे। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हींग, अदरक का लहसुन और अदरक का पेस्ट, हल्दी। अब इसे हम फिर से मिला लेंगे। थोड़ी सी चीनी। ये हमारा घोल बनके तैयार हो गया है। ऑन कर लूंगी मैं गैस, सारा घोल डाल दूंगी पैन में। दो मिनट तक मैं मीडियम आंच पे इसे चला लूंगी। अब इसे मैं लो फ्लेम पे चलाते रहूंगी। दस मिनट तक हमें इसे चलाते रहना है। इसे अब हम चेक कर लेंगे। इसमें हम तेल डाल देंगे और इसे अब ग्रीस कर लेंगे ताकि चेक कर पाए कि हमारा जो खांडवी है वो खांडवी बनने के लिए तैयार है कि नहीं। चेक कर रही हूँ मैं। देखती हूँ मेरा तैयार हुआ है कि नहीं। थोड़ा देर के लिए सूखने देती हूँ। इससे अगर निकल जाएगा तो यानी हमारा जो है वो खांडवी बनने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये खांडवी बनने के लिए अभी प्रॉपर ढंग से तैयार नहीं हुआ है। फिर से मैं इसे चला दे रही हूँ। फिर इसे देख लेते हैं एक बार चेक करके। इसे चम्मच से फैला देंगे। देखते हैं इसे निकाल के निकलता है कि नहीं। ये हमारा निकल जा रहा है, इसका मतलब कि अब ये तैयार। इसे अब हम ग्रीस कर देंगे। अब गैस हम बंद कर देंगे और थाली के ऊपर इसे हम फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा निकाल के फैलाना है। इसे हम ढक के रख देंगे ताकि हवा नहीं लगे। एक स्पैचुला से इसे फैला लेंगे। ये मैंने फैला दिया है। अब दूसरी भी थाली लेंगे और इसके ऊपर भी हम फैला देंगे। इसे अब हम 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। इसमें अब हम कट लगा लेंगे। इसे अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। सबको ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये हमारा बन गया है। अब हम इसमें छोक लगाने के लिए तैयार करेंगे। लगभग 2 चम्मच के करीब तेल, मस्टर्ड, करी पत्ता, लाल मिर्च
थोड़ा सा हींग। अब इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसमें हम नारियल का बुरादा छिड़क देंगे। अगर आपके पास वाइट तिल हो तो आप वो डाल सकते हैं। ये मेरी खांडवी बनके तैयार हो गई है। आप लोग भी ट्राई करें। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।